उन्हें कैसे भी और किसी भी तरह मैं वापस ला सकूंगी। मुझे आशीर्वाद देके भेज दो माँ। फसल हो या धान की कटौती, उसकी शुरुआत वसुराज से होती थी। ये गांव का नियम था, सारे मजदूर पहले दिन इंतजार करते थे कि कब वसुराज जाए और फसल की कटौती का शुभारंभ करें। क्या रे, सबके चेहरे उतरे हुए दिखाई क्यों दे रहे हैं? और गांव में सिंचाई करवाने के लिए हर घर से एक एक आदमी बुलवाए थे, वो लोग आए क्या? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। वो लोग कटौती के समय आने के लिए बोल रहे थे। आएंगे आएंगे, कटौती के समय में तो वो लोग जरूर ही आएंगे। इंस्पेक्टर भी आ रहा है मालिक। इंस्पेक्टर क्यों आया भाई? नमस्कार मालिक, आपके पांव पड़ता हूँ। तुम्हारी खाकी वर्दी कहाँ गई, उतर गई क्या? मालिक आपके पास आना था ना, इसीलिए खाकी वर्दी पहन के नहीं आया। आखिर बात क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है मालिक, जरा इसको देखिए, ये टाउन में 13 बार चोरी किया था और हर बार मेरे हाथों पकड़ा गया, उसके बाद भी चोरी करना नहीं छोड़ा, कल भी ताला तोड़ के चोरी किया, इसका क्या करना चाहिए मालिक? तेरी गवर्नमेंट को भी क्या बोलूं, जो गलती करता है उसे अंदर डाल के बढ़िया खाना पीना खिलाते हैं अपने दामाद की तरह, और शरीफ आदमी को बेवजह मारते हैं बुरी तरह। और एक बात सुनो जी मालिक, हर जुर्म की एक ही सजा है हमारे पास, इसे कलाकल कर दो। भाई ये कलाकल क्या होता है? तुम्हें नहीं पता है क्या? हाँ। कलाकल का मतलब होता है दोनों हाँ। हाथ पैर काट देना। हाँ। अरे कौन चला गया? अरे कहाँ गया? इस टोकरी में जितना धान है उसी से कल हमारा पेट भरेगा। माँ धरती माँ, जो तू आज कीचड़ से भरी हुई है, कल तू हमारे घर में हरियाली लेके आना। तेरे दिए आशीर्वाद से ही इस गांव के सभी लोग पलते हैं माँ, लोग पलते हैं। हे माँ, इतने बड़े घर में तूने मुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, इतने बड़े घर में शादी की, पर मेरा नसीब ही खोटा है, आज एक निवाला खाने को नहीं अम्मा। तुम तो जानती हो भैया की बात सुनकर मैंने शादी कर ली थी, आज एक निवाला खाने के लिए नहीं मिलता। अगर ससुराल ठीक होता तो क्या मुझे दाल रोटी की कमी होती वहाँ? तुम बुरा मत मानना, मेरा तो नसीब ही खराब है। अगर भगवान की दया होती तो मैं अपने मायके का खाना खाती, बताओ तुम ही मुझे, ऊपर वाले ने जिंदगी बर्बाद कर दी, एक एक टुकड़े के लिए तरस गई हूँ। भैया की बात सुनी मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे ये सब तो पैदा होते ही माथे पे लिखा होता है, अब तू इसके लिए अपने पति को क्यों गाली देती है ये तो बता। ये तो तेरे मायके का भाग्य है जो तेरे पति को कुछ रोग हुआ नहीं है, नहीं तो पूरा दिन पलंग पे पड़ा होता। हाँ मायके के भाग से ही तो निठल्ला पति मिला है, बिना रोग के पलंग पे पड़ा रहता है। अच्छा तो अब जल्दी जा, तेरे भाई के आने का टाइम हो गया, जा। अम्मा अम्मा तुझे कभी नहीं भुलाऊंगी, अब तुझे क्या बताऊं भाभी, पेट में एक है कि दो पता ही नहीं चलता। भाभी वो कह रहे थे बहुत दिन हो गए आलू के पराठे नहीं खाए, कभी तुम्हारे पास टाइम हो तो बना के भिजवा देना। हाँ भेज देंगे भेज देंगे। क्या रातों रात तुम पूरा संसार जमाना चाहती हो जो तुम्हारा इतना ध्यान रखा जाए? सरिता तू अब जा। वो देखो कैसे देख रहा है, इसे तो शर्म है ही नहीं, वो तो बिल्कुल बेशर्म है। हाँ बस जी, अपनी सगी बहन के लिए ऐसे कह रहे हो, उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है ये बताओगे? उसके लिए लड़का तुम्ही ने देखा था ना, कैसी होगी ये उसकी जिंदगी? उसने तो नहीं कहा था कि शादी बड़े धूमधाम से करो, तुम्ही ने बड़े धूमधाम से की थी, उसे जो चाहिए था वो अपने घर से ले गई, गलती उसकी नहीं है, सिनेमा जाने के लिए कह रही थी पर वहाँ उसे टिकट ही नहीं मिली, ये उसका अपमान था। फिर उसने पकड़ के उस टिकट वाले की बहुत अच्छी तरह से धुलाई की कि वो हमेशा याद रखेगा। हाँ हाँ हाँ, करेला क्यों निकाल रहे हो? अगर मुंह कड़वा है तो ये सेहत के लिए अच्छा है। इतने साल मेहनत करके तुमने लड़की तो पैदा की,
और साबित कर दिया कि तुम मर्द हो। अच्छा होता मैं भी किसी टिकट वाले से शादी कर लेती तो वो भी 30 सेक्टर वाला मर्द होता। किसने कहा कि वो मर्द है? मैंने कितनी बार कहा कि तुम उस आदमी की मेरे सामने बातें मत किया करो। मर्द बोलती हो तुम उसे। मर्द होता तो वो अपनी बीवी को थैला लेकर के यहाँ सामान लेने के लिए नहीं भेजता और खुद झाड़ियों के पीछे खड़ा होकर छुपके नहीं देखता। वो मर्द है। अगर अब तुमने उसे मर्द कहा ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। आज के बाद मर्द मत कहना उसे। आज के बाद अगर कुछ मांगने आए ना तो धक्के देके भगा देना उसे और बोलना यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाके मरो। हाँ हाँ, तुम कौन से बड़े मर्द हो गए हो? मुझसे शादी कर ली इसके लिए, मुझे बहू बना कर लाई इसके लिए, या मेरा भाई है इसके लिए? ऐसे तो तुम मर्द हो। क्यों जी, इस तरह मुझे प्यार से क्यों देख रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हें फूल लगाना पसंद है। मैं फूल लगाती हूँ तो तुम्हारा गुस्सा कम होता है। हाँ सुनो तो, मैंने भाई से कह के तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवाए, पहना तो। नए कपड़े? तुम्हारा भाई भी क्या यही पहनता है? बड़े बड़े झुक गए हैं, चलते चलते रुक गए हैं, सोते सोते जग गए हैं। नाम मेरा सुन के सबके होश उड़ गए। मैं तो गोपाल जैसा ही हूँ, मैं हूँ बलराम सबका गुरु। मैं तो गोपाल जैसा ही हूँ, मैं हूँ बलराम सबका गुरु। मेरे जैसा नहीं कोई तुम जान लो, मेरे जैसा नहीं कोई तुम जान लो। मेरी शक्ति के आगे तुम हार मान लो। डिटम डिटम दिन तेरी है न मुश्किल बड़ी, डिटम डिटम दिन तेरी है न मुश्किल बड़ी। अरे हाँ 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 हाँ, मैं तो गोपाल जैसा ही हूँ, मैं हूँ बलराम सबका गुरु। रस्ते से जिधर जिधर मैं चला हुआ लोगों का उधर उधर ही भला। रस्ते से जिधर जिधर मैं चला हुआ लोगों का उधर उधर ही भला। नेता बन के देश चलाऊं जो मैं, सारी विपदाओं को कर दूं मैं फना। अरे नेता बन के देश चलाऊं जो मैं, सारी विपदाओं को कर दूं मैं फना। सारा हिंदुस्तान बना दूं गुलिस्तान, सारा हिंदुस्तान बना दूं गुलिस्तान, करके सारे काम बोलूं मैं जय श्री राम। ऐसे अकेले अकेले क्या नाच रहा है? कोई प्यार भरा गीत मुझे भी सुना देना ताकि मैं भी नाचूं तेरे साथ साथ। आ? मैं तो गोपाल जैसा ही हूँ, मैं हूँ बलराम सबका गुरु। पैसों का भी दुनिया में है बड़ा काम, मेरे पास होता तो मैं भी करता दान। ओए पैसों का भी दुनिया में है बड़ा काम, मेरे पास होता तो मैं भी करता दान।